हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये है कि आपका जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये पीछे आपका यहाँ पर लोगो यही दिखाया जाता है, और लोगों के साथ साथ ये आपका गेट नंबर 4 है, ये मेन गेट है, इससे काफ़ी लोग आते हैं। तो आइए आपको मेन बिल्डिंग दिखाते हैं अपने बैक कैमरे से। जैसा कि आप देख सकते हैं, शाम का थोड़ा माहौल है, तो इस वजह से कोहरा आपका गिरना स्टार्ट हो गया है। मेन बिल्डिंग ये रहा आपका सामने, ये देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप पीछे कि यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है, तो हेलीपैड यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यहाँ पर गवर्नर या प्रधानमंत्री जो भी आते हैं, या राष्ट्रपति कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह के, या फिर कोई भी फंक्शन या फेस्टिवल होता है हमारे यूनिवर्सिटी में, तो यहीं से आपका हेलीपैड लैंड करता है। और आगे देखते रहिए, कोई भी पर्सन आते हैं तो सबसे पहले हमारे चंद्रशेखर आज़ाद का माल्यार्पण होता है। और इसके ठीक विपरीत में आप देखेंगे कि हमारा जो मेन बिल्डिंग है, जहाँ पर प्रत्येक दिन यहाँ पर एक नेशनल फ्लैग दिखाई दे रहा है, राष्ट्रध्वज, जिसको शाम को 6 बजे हटा दिया जाता है और सुबह 6 बजे फिर से वापस लग जाता है। तो ये आपका मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग आप देख सकते हैं। यहीं पर सभी लोग चाहते हैं कि सभी लोग फ़ोटो क्लिक कराएं। और कन्वोकेशन के दिन ये इतना ब्यूटीफुल लगता है, अभी आपका 5 जनवरी में कन्वोकेशन होने वाला है, तो आप सभी लोग देखते रहिएगा इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये जो बरामदा मेन बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें हमारे वाइस चांसलर सर बैठते हैं, और इसके बगल में ठीक पीछे हमारे देख सकते हैं एक और गुंबद बना हुआ है यहाँ पर, जिसमें इस गुंबद में हम लोगों की बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की क्लासेस चलती हैं, यूजी वाले स्टूडेंट की क्लासेस चलती हैं। तो आइए आज हम इनसे मिलते हैं कि इनका इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। तो आप किस ब्रांच में हैं? हम फॉरेस्ट्री ब्रांच में हैं, यूजी में। हाँ। और मेरा 5th सेमेस्टर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पिंदर है। तो आपको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या कैसा महसूस हो रहा है? मतलब माना जाए तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि जो माहौल है यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। और अगर तुम प्रिपरेशन के स्तर पर हो तो बहुत ही समय मिलेगा आपको, हाथ से ज़्यादा समय मिलेगा। आप जिस चीज़ से शायद भी अपने मन से तैयारी कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि जो यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी? मेरे हिसाब से अगर यूपी ग्रेड के मानी जाए तो चारों यूनिवर्सिटी जो हैं, जो टाइम की अगर आपको यूजी भी अपनी कंप्लीट करनी है, बीएससी एग्रीकल्चर भी कंप्लीट करना है, और आपको एक अच्छी जॉब भी इसे लेना है, सिविल की तैयारी करना है कि बैंक की, तो अगर टाइम की बात की है तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी यूनिवर्सिटी देगी, जो कि आपको तैयारी करने के लिए आप उसको तैयारी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से यहाँ के टीचरों का माहौल बहुत बढ़िया है, जो कि सपोर्ट करेंगे तुमको। अगर हमारी प्रेजेंटी भी हो जाती है तो उसको लगा देंगे, मतलब उनसे अगर रिक्वेस्ट करोगे सर नहीं हम आ पाए कुछ कारण, अगर उनको आप रियली बताओगे कि हम कोचिंग ज्वाइन किए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वो सुनिश्चित मौका देंगे, आपसे ज़रा सा भी नहीं करेंगे। नहीं, और यूनिवर्सिटियों को मैंने देखा, पहले बदनाम तो नहीं करेंगे उनको, पर उनका जो क्लास का शेड्यूल है वो रेगुलरिटी है, जाओ अटेंडेंस श्योर है, पर यहाँ पर थोड़ा आपको सपोर्ट किया जाएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। और इस समय अभी आपका लाइब्रेरी भी 24 घंटे ओपन है, 24 आवर लाइब्रेरी है, आप जा सकते हैं, ओनली आप नोट्स ले जा सकते हैं और बुक्स नहीं ले जा सकते हैं, और यही इससे अच्छा क्या हो सकता है। 24 आवर लाइब्रेरी है, या करो बहुत सारी सुविधाएं हैं, अब तो क्या बोलते हैं, नेक ग्रेड भी हो गई है हमारी यूनिवर्सिटी, तो और सुविधाएँ मिल रही हैं, और हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसको आगे ले जाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ये हमारे सर हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग ढेर सारे रिकमेंडेशन कर रहे थे कि सीएसए यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग का है उसको थोड़ा दिखाइए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय।